दोस्तों, अगर आप भी नेट JRF का एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आया है NTA की ओर से। दोस्तों, NTA ने इस बार JRF के लिए एज लिमिट जो 30 साल था उसको बढ़ाकर 31 साल कर दिया है। दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं NTA की ओर से रिलीज किया गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको लिए चलता हूं उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर जो रिलीज किया गया है NTA की ओर से कल ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, ये वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो NTA की ओर से रिलीज किया गया है। दोस्तों, जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 9 पर जाते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन का एक पॉइंट, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि JRF के लिए इस बार जो एज लिमिट है उसको 31 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर यदि कि आपका उम्र 1/3/2021 तक 31 साल से कम है तो आप यहाँ पे JRF के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कैटेगरी स्टूडेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिला है। यानी कि अगर यदि कि उम्र 36 साल तक है तो भी यहाँ पे JRF के लिए फॉर्म भर सकता है। वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं? सबसे पहला है OBC नॉन क्रीमिलेयर, यानी कि अगर यदि आप OBC नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं तो आप यहाँ पे 36 साल के उम्र तक JRF के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर और इसके साथ साथ वीमेन। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वीमेन जनरल कैटेगरी की इसमें आएगी कि नहीं, तो सभी वीमेन आएंगी चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। यानी कि ये 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर के साथ साथ सभी कैटेगरी के वीमेन और उसके साथ साथ OBC को मिलने वाला है। एक और अपडेट है आपके लिए और वो अपडेट है UGC नेट पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स से संबंधित। अगर जबकि आप भी एग्जाम देने वाले हैं और अगर आप नेट JRF पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं DK गुरु ट्यूटोरियल को, जहाँ पे आपको UGC नेट पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं UGC नेट JRF पेपर 1 का कंप्लीट 10 यूनिट का PDF फाइल के साथ साथ कंप्लीट 10 यूनिट का वीडियो लेक्चर्स, DI स्पेशल क्लास और प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। तो दोस्तों, ये था अपडेट आप सभी के